की हंसती हुई नजरों की जन्नत जा तारा बोले ये दिल का एक तारा। 70 के अवाइल में एक नए गुलकार ने प्ले बैक गई का आगाज किया और बहुत कम अरसे में जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। उनका नाम है नाहिद अख्तर। छब्बीस सितंबर 1956 को पैदा होने वाली नाहिद अख्तर की 3 बहनें और 4 भाई हैं। नाहिद अख्तर की गायकी के बहुत से रंग हैं। उन्होंने पॉप गीत भी गाए, गजलें भी गाई, लोक पंजाबी गीत और कवालियां भी गाई। फिर अपनी तीखी आवाज़ की वजह से वो बहुत मकबूल हुई। वो शोक गीत भी गाती थी और अलमिया गीत गाने में भी उनका कोई जवाब न था। इसके अलावा उनकी ये खूबी भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों के फिल्मों के लिए गाती थी। उनकी ये खुशबख्ती थी कि उन्हें पाकिस्तान के बेहतरीन संगीतकार मिले जिन्होंने उनकी आवाज में तय खूबसूरत गीत तख्लीक किए। एम अशरफ, ए हमीद, नाशाद, कमाल अहमद, निसार बज़मी, खलील अहमद, तसद्दुक हुसैन, नज़ीर अली, मास्टर रफीक अली, मास्टर इनायत हुसैन, बख्शी वजीर और ताफू जैसे बाकमाल मौसीकारों ने उनसे बड़े दिलकश गीत गवाए जो अब भी कानों में रस घोलते हैं। इस ज़हीन गुलकारा ने बहुत जल्द अपना एक अलग मकाम बना लिया। बहुत से लोग हैरान थे कि नाहिद अख्तर ने आखिर इतनी जल्दी कैसे यह मकाम हासिल कर लिया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो कुदरती सलाहियतों से मालामाल थी। उन्हें शोहरत हासिल करने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो जो कहते हैं कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, के मजदाक को अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर तरक्की की मनाजिल तय करती रही। नाहिद अख्तर ने बड़े शानदार गाने गाए, खास तौर पर ए नैयर और रजब अली के साथ गाए हुए उनके दो गाने बहुत मकबूल हुए। उसका कहना है कि प्लेबैक गायकी में एम अशरफ ने उनकी बड़ी मदद की और वो नाहिद अख्तर के लिए उस्ताद का दर्जा रखते थे। एम अशरफ की मौसीकी में नाहिद अख्तर ने जो गीत गाए उन्हें लाजवाल शोहरत हासिल हुई। इनमें तरबिया और अलमिया दोनों किस्म के गीत शामिल थे। एम अशरफ की जिन फिल्मों में नाहिद अख्तर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया इनमें नन्ना फरिश्ता, पुल मेरे गुलशन का, शमा, जंजीर, अनाड़ी, दिलरुबा, जब जब पुल के लिए, बेमिसाल, आरजू, सूरत और सीरत, नौकर, मोहब्बत जिंदगी है, पुल और शोले, देखा जाएगा, गूंज उठी शहनाई, शबाना, इंसान और फरिश्ता, शमाए मोहब्बत, उफ़ ये बीविया, बेटी, मोहब्बत एक कहानी, दर्द, ससुराल, अपने हुए पराए, प्ले बॉय, अभी तो मैं जवान हूँ, आग और जिंदगी और दीगर कई फिल्में शामिल है। इन फिल्मों के लिए गाए हुए नाहिद अख्तर के कई गीत सुपरहिट साबित हुए जिनमें तू ही बता, पगली, पवन, फूल मेरे गुलशन का, किसी मेहरबान ने आके, फिल्म शमा, बादामी नैनों वाले, फिल्म जंजीर, तरसता है ये दिल, फिल्म आरजू, तत्तू रूतू रूतू, तारा, मोहब्बत जिंदगी है, प्यार कभी करना न कम, फिल्म देखा जाएगा, जिंदा रहे तो क्या है, फिल्म खरीदार, तेरे बिना दुनिया में, फिल्म शबाना, तेरा मेरा कोई न कोई, फिल्म प्ले बॉय, तुझे प्यार करते करते, फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत। अशरफ के अलावा नाहिद अख्तर ने जिन दूसरे संगीतकारों के साथ काम किया और उनकी मौसीकी में जो गीत मकबूल हुए उनका जिक्र भी ज़ेल में किया जा रहा है। दिल धड़के हाय अल्लाह, ऐसी चाल में चलूं, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, तेरी खुशी के लिए तेरा प्यार छोड़ चले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, ता यकीन के आएगी ये रात कभी, जिस तरफ आग उठाऊं तेरी तस्वीर है। नाहिद अख्तर ने कई टीवी प्रोग्राम भी किए जिनमें लोक तमाशा, सुखनवर, संगत, सुर संगीत, सुखन फहम, मेरी पसंद और रिम जिम शामिल है। इस बेमिसल गुलकारा को 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें कई दीगर अवार्ड भी दिए गए। इन सब के अलावा नाहिद अख्तर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। नाहिद अख्तर ने कई बरस पहले गुलकारी तर्क कर दी और सारी तवज्जो घरेलू उमूर की तरफ मबजूल कर दी। हाल ही में उनके शोहर आसिफ अली फोता का इंतकाल हो गया। एक शानदार गुलकारा की हैसियत से उन्होंने जो
خدمات سر انجام دی انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔